अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने दो काम किए थे। एक तो रिएक्ट की जो चैट एप्लीकेशन थी वो हमने समझा था, आप में से ज्यादातर हमने बना के नहीं लेकर नहीं आए थे कल। तो कल वाला असाइनमेंट आज हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि उसकी क्या रिपोर्ट है। उसके बाद फिर डायलॉग फ्लो में मैंने जितना बना दिया था कल, मैंने आप सबसे कहा था कि उतना आप भी बना लीजिएगा। तो कोई ऐसा है जिसने उतना बनाया हो? आपने बनाया है तो आप क्या वो एम्बेडेड लिंक शेयर कर सकते हैं अभी? मैं तो वही मांग रहा हूँ, डायलॉग फ्लो का ही एम्बेडेड लिंक मांग रहा हूँ मैं तो। वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही होस्टेड होता है ना वो तो लिंक, वही लिंक तो मैं मांग रहा हूँ। बस ये कराएगा कर रहे $14 पर मंथ पे मिला हुआ है मुझे। बस ये इस घर में इतना ही हो सकता है जितना दिख रहा है ना ये, बस नहीं। भूख लगे, पार्टी आया है, बस ये इतना ही है जो भी है। अच्छा जी, क्या बात है जी, जबरदस्त। अरे तुमने दोनों लगा दिया इसमें, मैसेंजर भी और वो भी। गुड़े यार, जबरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा? फसी अहमद, जबरदस्त यार। तुम भी बना लेते तो फिर तुम भी चौड़े होते। कौन कह रहा था ये? अगर तुम इसके डॉलर देख देख के खुश हो रहे हो, अपने का बनाओ, अपने डॉलर का सोचो। अच्छा तो ये क्या है? ग्रीटिंग, आई कैन हेल्प यू विद सेट अप योर अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, बुक अपॉइंटमेंट। व्हेन वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर अपॉइंटमेंट? Tomorrow. Great. Your appointment is set to that. जबरदस्त यार, क्या बात है आपकी। अच्छा, यहाँ पे भी वही सेम चीज हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, हाय कह दिया मैंने, मैंने कहा बुक अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। गुड यार, बुक अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, ये एक लाइन में भी बोला मैंने तो समझ गया। अच्छा, और कौन भेज रहा था लिंक? हाउ कैन आई असिस्ट यू? अब मैं इसको क्या बोलूं? अच्छा, व्हाट इज योर नेम बनाया तुमने? आई एम क्या है ये? अब्दू साहब, ये तुम्हारा नाम है? अच्छा, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अब्दू साहब। अच्छा, इसमें और कोई इंटेंट है इसके अलावा? एक ही इंटेंट है। अच्छा, और कोई? अबे भाई, करने क्या आए हो यहाँ पे? क्यूरियोसिटी नहीं हुई तुम लोगों को कल जब पहली दफा डायलॉग फ्लो बनाया? इतना पहले एक्साइटेड हो रहे थे कि सर डायलॉग फ्लो कब करेंगे कब करेंगे, क्यूरियोसिटी भी नहीं हुई तुम लोगों को? चलो यार कुछ करते हैं। अब वो बैकग्राउंड $14 में दिए हैं सारे, उसमें मेरा सब ले लो। हाँ भाई, तो फिर
बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार। अच्छा चैट एप्लीकेशन किसने बना लिया, जो इससे पहले दिन हमने किया था, इससे पहले क्लास में आपने उतना बना लिया, आपने तो बल्कि दिखा भी दिया था मुझे। अच्छा अभी आपने दोबारा भेजा है steadyjuice.sir, जी है आपका। ये किसका है, ये वाला जो लिंक मैंने ओपन किया है अभी? ये क्या बनाया आपने? अच्छा तो ये अभी चल क्यों नहीं रही? अच्छा चल गई, बट ये इस तरह तो बनाना नहीं था, मैं कंपोनेंट्स के जरिए बनाना था। कंपोनेंट के जरिए नहीं बनाया ना आपने, ये कंपोनेंट बना रहा है। लग तो नहीं रहा मुझे ऐसा। ये वाला भी हमने लास्ट टाइम देखा था शायद। ये किसका था आपका? ये आपने कंपोनेंट्स के जरिए बनाया, रिपीट हो रहे हैं कंपोनेंट। सही, गुड, अच्छा बनाया। उससे और पीछे चलते हैं, करो भाई एक्सेप्ट करो इसको। ये तो आपने बनाया शायद। अच्छा मुझे अलाउ करना पड़ेगा लोकेशन। सही, बड़ी स्क्रीन पे ये जीरो जूम पे ही आ रहा है मेरे पास, ये नॉर्मल है मेरे पास। अगर मैं जूम इन करूंगा तो ये सेट हो जाएगा, और मैं जूम आउट करूंगा तो इसमें मुझे वो दिख रहा है, जॉइंट्स है ना जहां पर। हाँ भाई, ये कौन है हम्माद? तो ये तो कहीं और ही चला गया। दोबारा से ओपन करता हूँ मैं इसको। अच्छा ये तुम्हारा नीचे जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट, ये डायलॉग फ्लो पे ही बना रहा है ना? अच्छा तो पहले इसको चेक करते हैं। कैन आई बुक अ टेबल? हाउ मेनी गेस्ट? 3। व्हिच डेट? 2 days फ्रॉम नाउ। व्हिच टाइम? 9 AM। Kindly give me your email address. मैंने कहा भाई movie@football.com. What is your phone number? मैंने कहा जी 0302123456 7. Okay. What is your name? Malik. Congratulations Malik, your booking is reservation for 3 people. Day is 9. Phone number is that. In 2 days का मतलब इसमें डेट नहीं पकड़ी इसमें? अभी क्या दिया? मैंने कहा था from 2 days. 2 days from now. वो डेट और ओरिजिनल यूज़ करना सेक्शन। अच्छा। जो भी मैं बोलूँगा वो एक्जेक्टली वो जुमला आ जाएगा।
डेट डॉट ओरिजिनल था तो नहीं जब मैंने लास्ट देखा था। अभी आ गया डेट डॉट नाउ। नहीं ये डायलॉग हो गया। अच्छा तो ये मैंने एक चेक कर लिया। अब वर्चुअल असिस्टेंट देखते हैं क्या है। अच्छा ये तो वही है फुल स्क्रीन पे हुआ है। हेलो 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 ठीक है तो ये दोनों लगा हुआ है जनाब। और कोई भाई है कोई और M5 ये वेदर ऐप आपने बनाई है। और ये कौन है होटल प्रो आप है? होटल बुक होटल How many person? Four. Let me know your email address. What is type of room you like to book? Please select room type from economy, standard and luxury. Standard. अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूं तो नहीं पता चल रहा इसको। आपने इसके लिए जो स्लॉट्स बनाए हैं उसमें सिनोनियम नहीं डाले आपने, सिर्फ सिंगल सिंगल किया ये वोट। क्योंकि इसके जो इसमें एंटिटी के नाम से है सेम चीज, उसमें स्लॉट कहते हैं उसको अलेक्सा स्किल ग्रिड में, ठीक है सेम चीज इसमें एंटिटी के नाम से है, उसी तरह बिल्कुल सिनोनियम्स लगते हैं इसके अंदर राइट। Request is forwarded. Okay. Welcome to hotel. जबरदस्त यार। तो अभी तक हमारे पास कितने लोग हो गए? एक, दो और तीन। दो वहां पे से दो हैं। तुमने क्या बताया था? What is your name वाला तुमने बनाया। तो एक, दो, तीन, चार। चार लोगों ने मुझे डायलॉग फ्लो पे कुछ ना कुछ बनाकर दिखाया। इनके अलावा किसी ने दिखाया अभी तक? इन चार लोगों के अलावा किसने दिखाया? हमारे यार एक आ गया, ये बॉट का डायलॉग फ्लो। दो, ये तीन और ये चार, चार ही मेरे पास आए। इन चारों के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं बनाया। अच्छा तो भाई अब हम करते हैं एक छोटा सा लाइव सेशन, सही है, इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि सब लोगों का। अच्छा जिस सीक्वेंस से भेजा था मुझे लोगों ने उसी सीक्वेंस से हम देखते हैं। सबसे पहले तुमने भेजा था, फिर उसके बाद तुमने भेजा था व्हाट इज योर नेम, फिर हम बाद में भेजा था और फिर आपने भेजा था। तो इसी सीक्वेंस से मैं आता हूँ आप लोगों के पास, लाइटें ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की शक्लें थोड़ी अच्छी अच्छी सी नजर आए। क्या आप नहीं आना चाहेंगे? कोई मसला नहीं है, जो आना चाहेगा उसको। एक होता है शहरी पर्दा, एक होता है शहरी पर्दा। अब डेफिनेशन खुद जाके ढूंढो। नहीं नहीं इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर कोई नहीं आना चाह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई बाल वाल सही कर लो अपने। बहुत ही बुरा हाल हो रहा है या पता नहीं कैमरे में इतना बुरा दिख रहा हूं मैं। अच्छा यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खामोशी बिल्कुल, मतलब वीडियो में दिखना चाहिए कि मुअज्जिब लोग बैठे हैं, ऐसा ना लगे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को हायर करें लोग,
लोग देख के ही भाग जाए पहले कि भाई इस क्लास से तो किसी को भी हायर नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए तो थोड़ा, ठीक है भाई। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी सैलानी में जो चल रही है हमारी चैटबॉट की क्लास, उसमें मौजूद हूँ। अच्छा मैं आपको इनकी शक्लें दिखा देता हूँ। अच्छा लास्ट हमने जो देखा था वो सेक्शन ए और सेक्शन बी थे, ये दो सेक्शंस थे, लेकिन अभी हमने इनको दोनों को मर्ज कर दिया है, तो इसमें ये सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के आपको लोग नजर आएंगे, ठीक है जी। ये आपने सबकी शक्लें देख ली। अच्छा और हमने लास्ट क्लास में डायलॉग फ्लो स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, हमने सर्वर लिखना सीखा है, हमने डेटाबेस वगैरह कवर कर लिया है, हमने अलेक्सा स्किल किट कंप्लीट कर लिया है इस क्लास में। अच्छा अब हम थोड़ी सी रिएक्ट भी हमने पढ़ी है, चैट एप्लीकेशन थोड़ी सी बनाई है रिएक्ट में, क्योंकि उसी चैट एप्लीकेशन में फिर हम चैट बॉट को इंटीग्रेट करेंगे, और हमने फाइनली लास्ट क्लास में इनको हेलो वर्ल्ड बनाया गया है डायलॉग फ्लो का, इनको बनाया और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि डायलॉग फ्लो क्या होता है कैसे होता है। तो आज इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे छोटा सा चैटबॉट बनाया, तो वो देखते हैं चल के कि किसने क्या बनाया। अच्छा जी तो सबसे पहले कौन? हाँ जितना दिल करे लो, मेरी तरफ से तो बड़ा चढ़ा के लो, जितने जितने तुम सोच रहे हो ना, जितने भी तुम्हारे जहन में आ रहे हैं उसका डबल करके ले लो। सही है, लेकिन ये कि बस बंदा दे भी दे। एक किसी जगह पे मैं ऐसी किसी जगह पे कोई इवेंट था, उसमें मैं बात कर रहा था, तो मैंने किसी से पूछा ऐसी कि भाई कितनी सैलरी सोच सकते हो अपनी, सोचो। एक बंदा कह रहा 3,000 करोड़। मैंने कहा भाई कोई तुम्हें 3,000 करोड़ क्यों देगा, कह रहा पता नहीं। नहीं चलो मतलब 4 लाख 5 लाख समझ आता है कि भाई मैं वेब डेवलपर बन जाऊंगा या मैं कोई बैंकर बन जाऊंगा, सही है। 1 करोड़ भी चलो समझ में आता है, कोई बिजनेस कर लूंगा मैं, कह रहा 3,000 करोड़ लूंगा मैं महीने के। मैंने कहा फिर तुम्हें कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा सिलिकॉन वैली वाले भी इतने नहीं कमा रहे, तो थोड़ा पैसे बढ़ा के लो, लेकिन बस ये कि दे वो तुम्हें, कहीं ये ना बोले कि भाई बहुत ज्यादा है वो भाग दे। तो अब ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा। बाकी लोगों को देखो वो कितने चार्ज कर रहे हैं, अपवर्क खोलो फाइवर खोलो, बाकी लोगों को देखो वो क्या चार्ज कर रहे हैं, उसी हिसाब से कुछ लगा लो, ठीक है। अच्छा जी अब हम एक एक करके ना इसके जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन तीनों को समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था अलेक्सा स्किल गाइड पढ़ते हुए कि जो अलेक्सा में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वही सेम सारी चीजें इसमें भी अप्लाई हो रही है, सही है, हम ये पहले ही समझ चुके थे। तो अब हम एक एक चीज को एक्सप्लोर करते जाएंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कोई सवाल तो नहीं है। नंबर एक सबसे इंटेंट, ठीक है, इंटेंट यानी कि इंटेंशन की बात हो रही है कि हम यहाँ पे वो डेटा लगा देते हैं पहले से ट्रेनिंग डेटा, और इसके जरिए हमें यूजर की इंटेंशन पता चलती है और हम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई उसको रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई हमें पैरामीटर्स चाहिए होते हैं तो वो हम पूछ लेते हैं उससे। अच्छा तो सबसे पहले इंटेंट का नाम मैटर नहीं करता, यूजर को कभी भी पता नहीं चलेगा कि इंटेंट का नाम क्या है, सही है। इंटेंट का नाम तो डेवलपर के लिए, तो वो नाम कोडिंग वगैरह में इस्तेमाल होगा वो। ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये अलेक्सा स्किल किट में होता ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट यानी उसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट नाम की एक चीज होती है, लेकिन वो छोटा सा एक स्टोरेज होता है, ठीक है, वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट उसमें होता ही नहीं जो इसमें है। अच्छा उसके अलावा इवेंट्स जो है वो भी उसमें नहीं होते क्योंकि उसमें इवेंट्स की जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों चीजें हम बाद में डिस्कवर करेंगे, ठीक है, ये तो उसमें होती नहीं हम। अच्छा ट्रेनिंग फ्रेजेस जो है, या इसको यूजर से पहले इसका नाम हुआ करता था, या यूजर एक्सप्रेशन भी इसको आप कह सकते हैं, ये दोनों तीनों एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो ये जो है अलेक्सा स्किल किट में किस नाम से होता था? अट्रेंसेस के नाम से होता था, ठीक है, आप यूजर के अट्रेंसेस बता देते थे। मीनिंग अट्रेंसेस का भी वही होता है जो यूजर एक्सप्रेशन का होता है, ठीक है। अट्रेंसेस वो होता है कि मुंह से जो निकला, ठीक है, जो भी मुंह से निकलता है उसको अट्रेंस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्रेंस होता है ना कि कोई वाकया हुआ, अब क्या वाकया हुआ कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ हुआ तो वो अक्रेंस है। अब वो एक हादसा अकर हो गया या कोई मतलब कोई अच्छी बात अकर हो गई, तो इसी तरह अटर है अटरेंस, मुंह से जो निकला वो अटरेंस है, ठीक
ठीक है, तो यूजर से, यूजर एक्सप्रेशन, अटरेंसेस, ट्रेनिंग फ्रेजेस, सारे आप इसको नाम दे सकते हैं। इसमें मिनिमम 3-4 जुमले हम लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा लिखते हैं तो मसला नहीं है कोई, ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 3-4 जुमले हम लिख देते हैं। पीछे एआई इनके लगा हुआ है, जैसे ही आप सेव का बटन दबाते हैं, ये जो गियर आइकन है जिसको सेटिंग का भी बटन कहते हैं, ये घूमना शुरू हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर इसको कहता था बिल्डिंग, हम बिल्ड का बटन दबाते थे तो बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाता था। इसमें क्या होता है, सेव करते ही ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाता है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस ऑटो ट्रेनिंग को आप यहाँ सेटिंग में जाके बंद भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग उसको बंद करके रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो बार बार ट्रेनिंग घूमने से ना वो होता है। मैं ML सेटिंग में गया, यहाँ पे किसी जगह पे एक होता है, हाँ, डिसेबल ऑटोमेटिक रीट्रेन। इसको अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो क्या होगा कि हर सेव पे वो खुद से ट्रेन नहीं करेगा, मुझे यहाँ आके बटन दबा के ट्रेन करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा छोटा सा एजेंट है तो इसको मैं ऑन भी रखूं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एजेंट आपका बड़ा होता चला जाता है तो आपने देखा है बिल्डिंग में ज्यादा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए वो हर बटन पे वो सेव करे ना तो मतलब कोफ्त होती है उसे, फिर वो रोक भी नहीं सकते आप उसको, एक बार वो शुरू हो जाता है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो कंप्लीट होके ही खत्म होता है, तो इसलिए लोग उसको बंद भी कर देते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख के ट्रेनिंग का बटन दबा दिया, आपके पास जो है वो पीछे ट्रेन हो गया वो। अब जब यूजर उसको बोलेगा, जो भी यूजर से हमें लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी अंदाज से उस चीज को कहे, वो उसको समझना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है एक्शंस एंड पैरामीटर्स। अब ये एक्शन एंड पैरामीटर्स को जो है ना, अलेक्सा स्किल किट में क्या कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं, सही है। अच्छा, इसको स्लॉट कहते हैं, और एक होती है स्लॉट टाइप। स्लॉट टाइप इसमें एंटिटीज है, स्लॉट टाइप जो है वो एंटिटीज है, उन्होंने मिलता जुलता नाम रख दिया। इन्होंने इसका नाम रखा है एक्शन एंड पैरामीटर्स, और उधर उसका नाम रखा गया है एंटिटीज, स्लॉट टाइप का। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है, एक है एक्शन नेम, ठीक है, एक्शन नेम। अच्छा, ये एक्शन नेम जो है ना, वो असल में इंटेंट नेम अब उसकी जगह इस्तेमाल होता है, यानी ये वर्जन 1 के अंदर ना इंटेंट का नाम इस्तेमाल नहीं करते थे, एक्शन का नेम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब वेबहुक पर रिक्वेस्ट जाती थी तो हम कहते थे कि इफ एक्शन नेम इक्वल टू दिस तो ये कर दो, अगर दिस तो ये कर दो, लेकिन अब उसकी जगह पे एक्शन का नेम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्टिल ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो सेम नाम जो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, वही सेम नाम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये नाम जो भी आप लिखेंगे ना, ये एज इट इज आपको सर्वर पे मिल रहा होता है, जब आपकी रिक्वेस्ट कोड में पहुंचती है, फुलफिलमेंट में पहुंचती है, तो ये आपको लाइन एग्जैक्टली मिल रही होती है। तो आप एक इंटेंट को इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाली इनकी लाइब्रेरी है उसमें वो इसके जरिए आइडेंटिफाई नहीं करते, नेम के जरिए करते हैं। लेकिन ये भी आप चाहें, अगर अपना लिख रहे हैं उनकी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है वही यहाँ पे तरीका है कि भाई अगर मुझे मिसाल के तौर पे बंदे का क्या चाहिए, मुझे बंदे का नाम चाहिए, ठीक है, व्हाट इज, अब एक नया इंटेंट बना लेते हैं। आई थिंक हम क्या बना लें, सबसे पहले वेदर ऐप बना लें, छोटी सी एक। अच्छा, तो मैंने प्लस किया इंटेंट पे और मैंने कहा ओके, और ये एक नया इंटेंट मैं बना रहा हूँ। ये मैंने कैसे बनाया, ये प्लस का बटन दबा के बनाया। मैं यहाँ इंटेंट पे जाके भी बना सकता था, ठीक है, यहाँ इंटेंट के ऊपर गया, यहाँ ऊपर बटन है, इससे भी बना सकता हूँ, तो कोई भी तरीका हो, 2-3 इसमें तरीके मौजूद हैं, अलग अलग जगह पे आ रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई वेदर, इसके अंदर एक इंटेंट बनाया मैंने, वेदर उसका नाम रख दिया। अच्छा, उसके बाद फ्रेजेस में क्या बोलूंगा मैं, के टेल मी टेम्परेचर, अच्छा, ये हो गया पहला मेरा यूजर फ्रेज, और गिव मी वेदर अपडेट, सही है, और बताओ व्हाट्स द वेदर। और बताओ, शो शो वेदर अपडेट्स, ठीक है, काफी सारे हमने इसमें यूजर एड्रेसेस लिख दिए। अच्छा, अब यूजर जाहिर है उससे मैं पूछूंगा कि भाई किस सिटी का वेदर चाहिए, ठीक है,
तो अब मुझे कुछ एंट्रेंसेस कैसे लिखने हैं, उस सिटी का नाम के साथ भी लिखना है, क्योंकि हो सकता है बंदा डायरेक्ट ही बोल दे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, शो मी वेदर ऑफ कराची। ठीक है जी। अच्छा आप नोट कीजिए, जैसे ही मैंने लिखा शो मी वेदर ऑफ कराची, तो इसने क्या कर दिया, इसको जो है ना ऑटोमेटिकली इसने एनोवेट कर दिया। ठीक है, इसको एनोवेशन कहते हैं। अलेक्सा में ये करता है, नहीं करता अलेक्सा में भाई। WEATHER अबे नहीं, ये ग्रामरली उसको बना रहा था, उसके नीचे लाइन बदली। अच्छा ये क्यों वेदर बना रहा है, डब्ल्यू एच ये वेदर दूसरा वाला वेदर है, वेदर और नॉट वाला। अच्छा इसमें कह रहा है ये के कैपिटल कर दो, चलो के कैपिटल कर दिया, सही है। अब वेदर भी उसको समझ आ गया। अच्छा नहीं, वो अभी घूम रहा है। शो मी द वेदर, अच्छा शो मी वेदर इन कराची, इसकी इंग्लिश के मुताबिक शो मी वेदर इन कराची। मतलब एक होता है ना, बंदे इंग्लिश सीखते हैं एक घर में खुद की बना लेते हैं, तो हमने ज्यादातर, मैंने भी खुद ही अपनी बनाई हुई इंग्लिश, सही है, सीखा भी का नहीं है। तो मेरी इंग्लिश में बहुत सारी चीजें अलग है उनकी इंग्लिश से। खैर अच्छा और बताओ, कराची वेदर, ठीक है। अच्छा अलेक्सा में ऐसा नहीं होता, अलेक्सा स्किल किट में ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट नहीं करता वो, लेकिन इसमें क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है अगर किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी से वो मैच कर जाता है कोई भी वर्ड, तो उसको वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा और आप नीचे यहाँ देखें, इसने खुद से जो है ना एक पैरामीटर पूरा बना के भी दे दिया। ये अलेक्सा में मुझे हाथ से पूरा लिखना पड़ता है, इसमें भी लिख सकता हूँ हाथ से अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन इसने ऑटोमेटिक भी इसको डिटेक्ट कर लिया। अच्छा तो अब आप देखें, पैरामीटर का एक नाम है जियो सिटी, जियो सिटी नहीं चाह रहा मैं, चाह रहा हूँ सिटी नेम, कि मुझे सर्वर पे ये किस नाम से मिले, सिटी नेम के नाम से मुझे सर्वर पे मिलेगी। ठीक है, एंटिटी अब कौन सी है, अब एंटिटी पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो इसमें कुछ सिस्टम एंटिटीज है। अलेक्सा स्किल किट में क्या कहते थे उसको, ये नहीं, स्लॉट टाइप जो है वो दो तरह की होती है उसमें, एक होती है कस्टम स्लॉट टाइप्स और एक दूसरी क्या होती है, बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है, कुछ बिल्ट इन एंटिटीज है कुछ कस्टम एंटिटीज है। तो बिल्ट इन एंटिटीज को ये कहते हैं सिस्टम एंटिटीज, इन्होंने नाम रखा हुआ है, नाम अलग अलग है चीज सेम है दोनों। तो अब ये सिस जो लिखा हुआ है ना @SYS, ये सारी सिस्टम एंटिटीज है। ठीक है जी, अब इसको स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं, ये सारी सिस्टम एंटिटीज है इनके पास। अलेक्सा स्किल किट में ऐसी था, काफी सारे थे मतलब, ठीक है, पर्सन, जियो सिटी, जियो सिटी अभी हमारा सिलेक्टेड है, जियो सिटी के अंदर जितने भी दुनिया की सिटीज हैं उनके नाम इसके ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, यूनिट स्पीड के किलोमीटर या माइल या जो भी है वो इसमें पकड़ दे गई है। लोकेशन, अगर लोकेशन कोई लिख रहा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वो ये पकड़ देगा। टाइम पीरियड के मतलब 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, तो ये टाइम पीरियड उसमें होगा। टेम्परेचर अगर कोई बता रहा है कि भाई 20 degrees, वो इसमें पकड़ में आ जाएगा। लास्ट नेम, गिवन नेम कहते हैं फर्स्ट नेम को, जैसे किसी का नाम अगर है कि मोहम्मद अहमद, तो वो मोहम्मद उसका फर्स्ट नेम है और अहमद उसका क्या है, गिवन नेम है। ये तुम्हारा सवाल मैं समझा नहीं, जैसे कि हमने फूड ऐप बनाई अलेक्सा, उसमें हमारे वो सही आते कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता। अभी 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 पहले ना एक छोटा सा सिंपल सा बनाते हैं, उसके बाद ये जो एंटिटीज है ना, ये एंटिटीज का एक डॉक्यूमेंट है पूरा, ये हर एंटिटी के बारे में उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, अलेक्सा में भी, गूगल असिस्टेंट ये डायलॉग फ्लो में भी, दोनों में लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जाएंगे एंटिटी डायलॉग फ्लो, राइट, आसान है बिल्कुल, ये मैं आ गया एंटिटीज में। अच्छा इसमें ना 3 वर्जन है इसके टोटल, एक है version 1 जो कि खत्म हो चुका है, मतलब उस पर अब आप चैटबॉट नहीं बना सकते, वो काफी दिन से कह रहे थे डेप्रिसिएटेड, लेकिन अभी इन्होंने तकरीबन 3 या 4 महीने पहले उसको बंद कर दिया बिल्कुल, कि अब उसमें चैटबॉट बन ही नहीं सकता। ठीक है, करंट वर्जन जो है इनका वो V2 है जो हम पढ़ रहे हैं, एक उनका फ्यूचर वर्जन है जिसको वो CX कह रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे, तो ये V2 है। तो आपने जो एंटिटी का डॉक्यूमेंट देखना है वो किसका देखना है, डायलॉग फ्लो ES का,
एसेंशियल जो है जो हम पढ़ रहे हैं या वी टू भी कहेंगे, यानी रेफरेंस का जो डॉक्यूमेंट है वहां पे वी टू बोलेंगे और जो गाइड है उसमें उसको एसेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप आए एंटिटी के ऊपर। अब एंटिटी में ना सिस्टम एंटिटी ये लिखा हुआ है जो, अब सिस्टम एंटिटी पे गया और सिस्टम एंटिटी पे जाने के बाद ये रहा एंटिटी टाइप रेफरेंस, जिसमें ना सारी जो भी एंटिटी वाली लिस्ट बनी हुई है सबके बारे में बात हो कि किस एंटिटी में क्या पकड़ में आता है। देखो मिल रही नहीं है, गूगल पे डायरेक्ट लिख देते हैं जियो सही है, डायरेक्ट मुझे उस डॉक्यूमेंट पे लेकर आ गया। ये क्या कह रहे थे, क्या लिखना है तुम्हें गूगल पे? अच्छा भाई ये वो डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। इसमें इसने सारी एंटिटी का जो नाम लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट उसकी जो है ना, तो हम इसमें जियो सिटी तलाश करते हैं जो अभी इसने पिक किया है हमारे वाले केस में। ये रहा जियो सिटी, ठीक है, मेजर सिटीज के नाम है, स्ट्रिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसके जितने भी मेजर सिटीज हैं दुनिया के इंग्लिश में उसके नाम मौजूद है। अच्छा उसके बाद एक एंटिटी सिटी डैश यूएस भी है, ठीक है, ये डेप्रिसिएटेड है, कह रहे हैं डेप्रिसिएटेड या डेप्रिकेटेड जो भी वर्ड है, ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको पता है? डेप्रिकेटेड या डेप्रिसिएटेड? डेप्रिकेटेड है, ठीक है, यही वर्ड है। अच्छा तो ये जो है ना इसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के सिटीज हैं, बाकी दुनिया के सिटीज इसमें नहीं अवेलेबल है। अच्छा फिर इसी तरह एक सिटी डैश जीबी है, ये भी डेप्रिसिएटेड है, ये डेप्रिकेटेड है, ठीक है भाई, ठीक है। ईमेल की इसमें एंटिटी मौजूद है, फोन नंबर की एंटिटी मौजूद है, ठीक है। ईमेल में क्या है, ईमेल लेगा ये और स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, फोन नंबर में क्या लेगा, स्ट्रिंग ऑफ फोन नंबर, स्पेस एंड डैशेस एंड पैरेंथेसिस आर ओमिटेड, यानी बंदे ने अगर अपना नंबर लिखा है हाथ से लिखकर उसको दिया है, पैरेंथेसिस प्लस वाला सब लगा के दिया है, तो वो कह रहा है कि उन चीजों को हटा देगा और वो एक मतलब सिंगल आपको स्ट्रिंग मिलेगा, उसमें सिर्फ नंबर्स होंगे जस्ट, ठीक है। तो इसी तरह आप जैसे गिवन नेम है, लास्ट नेम है, पर्सन है, अब इसमें किस में क्या लेता है ये वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा तो ये जनाब मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ डॉक्यूमेंट इसका। अच्छा इसको मैं रिक्वायर्ड भी कर सकता हूँ, राइट, अगर मैं रिक्वायर्ड पे चेक लगा दूंगा तो फिर यहाँ पे आप देखें एक एडिशनल चीज अपेयर हो रही है जो कि क्या है, प्रॉम्प्ट। ये जब तक मैं रिक्वायर्ड नहीं करता ये प्रॉम्प्ट इसका विजिबल नहीं होता है, राइट। तो जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड कर दिया अब मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे कि अगर यूजर बोल नहीं बोलता है सिटी का नाम, जस्ट वो बोलता है वेदर मुझे बताओ, तो सिटी का नाम यहाँ से वो पलट के उससे पूछेगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई टेल मी सिटी नेम, ठीक है, विच सिटी, ये मैं 3-4-5 रिस्पॉन्सेज दूंगा और बिल्कुल अलेक्सा में जैसा होता है वो रैंडमली को ये उठाकर यूजर को रिटर्न करेगा। What is the name of your city? और बताओ कोई? वो आगे जाने नहीं देगा ना, रिक्वायर किया हुआ मैंने, वो आगे जाने ही नहीं देगा, सही है। तो मैंने 2-3 प्रॉम्प्ट लगाकर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया ताकि इतना जो डेटा है मेरा वो सेव हो जाए। अच्छा अभी तक चूंकि हमने इसका सर्वर नहीं पढ़ा तो हम अभी यूजर को ऐसे एपीआई से डेटा लाके रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें चूंकि ऑप्शन अवेलेबल है, हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स का ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हार्ड कोडेड कर दूं एक आंसर को, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वेदर ऑफ, और क्या कहूंगा मैं, डॉलर सिटी नेम, यूजर ने जो भी सिटी नेम बोला होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, राइट। मैंने कहा वेदर ऑफ कराची इज 17 डिग्री
सेंटीग्रेड क्या डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं ना, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। खैर डिग्री कर देते हैं सर 17 डिग्रीज, मगर ये 17 डिग्रीज जो है ना वो फॉरेन हाइट हो जाता है। एपीआई से अभी हमने सीखा नहीं है ना। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बोला, ठीक है वो आसान तरीका है, यहाँ से ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है और कॉपी करके मैंने सी से पहले ये लगा दिया, बन गया बिल्कुल असली वाला टेम्परेचर। ठीक है वेदर ऑफ योर सिटी कराची इज, इसमें मैंने 20 करवा दिया, मैंने कहा थोड़ा बदल देते हैं वेदर, ठीक है और फिर मैंने एक तीसरा रिस्पांस भी लगा दिया, इन कराची, ठीक है इट इज 15 डिग्री, आउटसाइड। अच्छा तो मैंने तीन रिस्पॉन्सेज उसको मैंने बता दिए, अब ये तीन रिस्पॉन्सेज में से रैंडमली मुझे कोई एक रिस्पॉन्स ये बताता रहेगा रिटर्न करके, राइट। अच्छा अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि टेल मी वेदर, सेव हो गया ये, इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई ना, पता नहीं क्या सीन। चलो खैर शायद वो बहुत छोटा सा है ना तो जल्दी से हो गया। विच सिटी, ठीक है ये जो मैंने रिस्पांस रखा था वो सिटी, अगर मैं इसको रिस्पांस नहीं देता हूँ ना, ये मैं इसको रैंडम कुछ देता हूँ तो ये पूछता रहेगा, ये मुझे आगे जाने नहीं देगा, राइट। ठीक है टेल मी सिटी नेम ऐसे बोलता रहेगा, मैंने कहा इसको लाहौर, एंटर, सही है इन लाहौर इट इज 15 डिग्रीज आउटसाइड। वेदर ऑफ कराची बोल दिया मैंने तो कराची का बता दिया, ठीक है ये रैंडम मतलब एक रैंडम नंबर लिख दिया है जस्ट, ये एपीआई से डेटा नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने सर्वर इसका सेटअप करना नहीं सीखा है इस वजह से, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम चीज देखते हैं के हमारे पास यहाँ पे ना कुछ मजीद रिस्पॉन्सेज और भी हैं, राइट। यहाँ पे कुछ मेरे पास रिस्पॉन्सेज और भी लगे हुए हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट के रिस्पॉन्सेज और फेसबुक के रिस्पॉन्सेज और डायलॉग फ्लो, फोन गेटवे, उसके अलावा स्लैक, टेलीग्राम एंड किक। अच्छा ये रिस्पॉन्सेज अलग से क्यों है कोई बता सकता है, किसी को कोई आइडिया है? ब्रेन स्ट्रॉमिंग का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स बता दिया इसको तो ये उनके लिए अलग से रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन क्यों है? अगर मैं गूगल अगर मैं फेसबुक पे जैसे क्लिक कर देता हूँ तो फेसबुक पे अब यहाँ पे ना रिस्पॉन्सेज जो लिखूंगा तो अगर वन क्लिक इंटीग्रेशन से आपने फेसबुक पे लगाया हुआ है इसको वन क्लिक से तो यहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। या इसी तरीके से अगर हम टेलीफोनी अगर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ये टेलीफोनी जो है इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे जो मैं रिस्पॉन्सेज ऐड करूंगा वो अगर टेलीफोन से कोई बात कर रहा होगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन में जो है टेलीफोनी गेटवे लगा हुआ है उसके जरिए आपने अगर डिप्लॉय किया हुआ होगा टेलीफोन पे और उससे कोई कॉल कर रहा होगा तो ये वाला रिस्पॉन्स उसको जाएगा। तो क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने? हाँ नहीं रिस्पॉन्स तो मैंने ये बता दिया ना, एक फोन पे भी अगर कोई पूछ रहा है तो यही बता देना चाहिए उसको, या फेसबुक पे भी कोई पूछ रहा है तो जाहिर है बताएंगे तो यही ना जो यार बात लिखी भी, तो अलग से उसका रिस्पॉन्स क्यों रखने की जरूरत पेश है? मिसाल के तौर पे क्या यूजर एक्सपीरियंस ऐसा चेक करने के लिए?
नहीं मेरा सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए कि उसको पसंद आता है या नहीं आता। भाई जैसे फेसबुक मैसेंजर है, अब तुम उसको मोबाइल पे यूज करो, वेब पे यूज करो, तो अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कि हाउ आर यू, तो वो हाउ आर यू ही पहुंचेगा ना, कुछ और तो नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी क्या चीज है जो अलग अलग पे चेंज हो रही है? नहीं जवाब तो टेक्स्ट में ही आ रहा है ना, मेरा सवाल ये कि जवाब तो मतलब बंदे ने मैसेंजर पे पूछा कि व्हाट्स द वेदर इन कराची, तो मैं उसको मैसेंजर पे क्या ये सीधा सीधा नहीं बता सकता कि वेदर इन कराची इज 70 डिग्री। ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जो अलग होता है? हाँ फनी अंदाज में बताना चाहिए। अच्छा इन्होंने ये कहा है कि अच्छा यार कोई अगर प्लेटफॉर्म है जैसे स्लैक है, वो काफी सीरियस किस्म का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे थोड़ा सीरियस अंदाज में मैंने बता दिया। अगर कोई फेसबुक है तो थोड़ा वो मतलब सोशल वोशल टाइप का, उधर खेल कूद हो रहा होता है, उधर थोड़ा उस अंदाज में बता दिया। लेकिन ये वजह नहीं सर, नहीं नहीं सिक्योरिटी इसका क्या था जी, क्या होता है अच्छा इन्होंने ये तो बिल्कुल सही बात की है कि अगर मैं ये जो ऐड किया हुआ है फेसबुक वाला, अगर मैं वो ऐड ना करूं, अगर ना करूं तो फेसबुक पे भी वही मैसेज जा रहा होगा डिफॉल्ट वाला, ठीक है, क्योंकि वो डिफॉल्ट रिस्पांस है, एक इस इंटेंट का डिफॉल्ट रिस्पांस है वो। तो अगर मैं मजीद उसमें ऐड ना करूं फेसबुक और टेलीफोनी के लिए अलग अलग, तो वो क्या करेगा, वो यही रिस्पॉन्स फिर भेजता रहेगा वहां पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसको ऐड करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है आखिर, ऐसा क्या है जो इसमें नहीं हो पा रहा? अच्छा इस चीज को हम देखने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस क्या मतलब, यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या अलग होगा? रिस्पॉन्सिवनेस तो तुमने एक वर्ड बोल दिया ना, बट मुझे एक्सप्लेन करो ना लेमैन में कि क्या अलग होगा। अच्छा हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मैं इंटीग्रेशन में गया,